यदि किसी वाक्य में किसी संज्ञा का प्रयोग हो चुका है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल बताने जा रहा हूं प्रोनाउन का। यदि किसी वाक्य में किसी संज्ञा का प्रयोग हो चुका है और उस संज्ञा के पूर्व अधिकार सूचक विशेषण रखा हुआ है, बात समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए एक संज्ञा है पेन, अब इस संज्ञा के पूर्व माय रख दें, माय पेन। अब इस ये जो पेन है, आप इसको दोबारा अगर यूज कर देंगे तो उसे पुनरोक्ति दोष कहा जाता है, टॉटोलॉजिकल एरर। टॉटोलॉजिकल एरर का मतलब होता है पुनरोक्ति दोष, किसी एक चीज को बार बार कहना। इससे भाषा बोरिंग हो जाती है, उबाऊ हो जाती है, प्रोजेक हो जाती है। तो इससे बचने के लिए संज्ञा के बदले किसका इस्तेमाल किया जाता है? सर्वनाम। इसी टॉटोलॉजिकल एरर से बचने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है संज्ञा के बदले। तो अगर एक बार आपने कह दिया है माई पेन, तो दोबारा पेन न कहना पड़े और दूसरा व्यक्ति भी उसी वस्तु पर अपना अधिकार जता ले, इसके लिए आपको प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। और माय का प्रोनाउन क्या होता है? माइन, माय एडजेक्टिव विशेषण, और इसका प्रोनाउन क्या है? माइन। अर, ओ यू आर, अर में समारा, ये विशेषण है। इसका प्रोनाउन क्या है? अर्स, ओ यू आर एस। यू का अगर आप देखें तो यू का विशेषण क्या हो जाएगा? योर, अधिकार सूचक विशेषण। और योर अधिकार सूचक विशेषण का सर्वनाम क्या होगा? योर्स। तो एक वाक्य में यदि एक बार कोई संज्ञा आप प्रयोग में लाते हैं, दोबारा उस संज्ञा का प्रयोग करने से बचने के लिए, टॉटोलॉजिकल एरर से बचने के लिए आपको प्रोनाउन इस्तेमाल करना होगा, अधिकार सूचक विशेषण का प्रोनाउन यूज करना होगा। माय पेन एंड योर्स, माय पेन, मेरा पेन, एंड योर्स, और तुम्हारा पेन। तो यहां पर अगर आप ऐसे लिखेंगे कि माय पेन एंड योर पेन, तो यहां पर आपने टॉटोलॉजिकल एरर कर दिया। इससे बचना है, पेन का दोबारा प्रयोग नहीं करना है, तो आपको पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़ेगा, माइन का प्रयोग करना पड़ेगा, अर्स का प्रयोग करना पड़ेगा, योर्स का प्रयोग करना पड़ेगा, हिज का प्रयोग करना पड़ेगा, हर्स का प्रयोग करना पड़ेगा, देयर्स का प्रयोग करना पड़ेगा। बात समझ गए? दिस इज माई पेन, या मेरी कलम है, एंड दैट योर्स। दिस इज माई पेन एंड दैट योर्स। आप ये नहीं लिख रहे हैं कि दैट इज योर पेन। आप दोबारा पेन को रिपीट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अधिकार सूचक सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। दिस इज माई पेन एंड दैट योर्स, या मेरी कलम है और वो वाली तुम्हारी। योर्स प्रोनाउन है किसके लिए? पेन के लिए। और क्यों? ताकि आप पुनरोक्ति दोष न करें। दूसरा एग्जाम्पल ले लो। इफ यू कम टू माई प्लेस, अगर आप मेरे स्थान तक आएंगे, इफ यू कम टू माई प्लेस, माई प्लेस, ध्यान दीजिए, इफ यू कम टू माई प्लेस, आई शाल कम टू योर्स, आई शाल कम टू योर्स। प्लेस नहीं लिख रहे हैं आप, योर प्लेस नहीं लिख रहे हैं। इफ यू कम टू माई प्लेस, आई शाल कम टू योर प्लेस, अगर आप ऐसे लिखेंगे
तो दैट विल बी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट. देयरफॉर इसीलिए आप इससे बच जाए, दोबारा उस संज्ञा का प्रयोग न करना पड़े, तो आप अधिकार सूचक सर्वनाम का प्रयोग करके आप इस भूल इस दोष से भाषा में बच सकते हैं. इफ यू कम टू माय प्लेस आई शाल कम टू योर्स. यू गेट दैट. थैंक यू.